ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में, और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ जी IMC हॉस्पिटल लाहौर में और बहरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाहौर में। मेरा एरिया फोकस है जी किडनी स्टोन्स, बेनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मेल इनफर्टिलिटी, यूरोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी एंड डिफरेंट ब्लड प्रॉब्लम्स। And I have special interest in functional urology and urodynamics. मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमारे क्लिनिक में आते हैं वो गुर्दा और मसाना की पथरी के मरीज़ होते हैं। गुर्दे और मसाने की पथरी बनने की काफ़ी वजूहात हैं। अगर हम इन वजूहात का ज़िक्र करें तो इसमें पानी का कम इस्तेमाल करना, गर्म मौसम और सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, इसके अलावा वर्जिश का ना करना और सर्टन किस्म की डिज़ीज़ प्रोसेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गाउट और इसके अलावा प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म और यूरिनरी ट्रैक्ट रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शामिल हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पिछले 10 से 15 सालों में स्टोन डिजीज की ट्रीटमेंट में खासी जिद्दत आ चुकी है। इसमें हम पथरी का इलाज बजरिया अद्वियात और फिर बजरिया लेजर या सोती लहरें जिनको एक्स्ट्रा कारपोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहा जाता है, इसके अलावा गुर्दे की पथरी का इलाज बजरिया कैमरा जिसको PCNL और फिर इसमें फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन मिनी PCNL और अल्ट्रा मिनी PCNL जिसमें 1 सेंटीमीटर से भी कम चीरा दे के पथरी को बजरिया कैमरा गुर्दे से निकाल लिया जाता है। इसके अलावा नेचुरल ऑरिफेस सर्जरी जिसमें किसी भी किस्म का कुटक या चीरा नहीं लगाया जाता, उसको रेट्रोग्रेड इंट्रा रीनल सर्जरी RARS कहा जाता है, ये शामिल है। ये जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं इनका जो बेनिफिट है, एक तो हॉस्पिटल स्टे कम है, दूसरा स्टोन डिजीज़ वाइट कॉलर वर्कर्स की डिजीज़ है और मरीज़ हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद अपने काम पर वापस जल्दी जा सकता है, तो शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे भी एक बेनिफिट है ये जितने एडवांस यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स हमने बताए हैं। स्टोन डिजीज़ की मैनेजमेंट में जी 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन, देन कम्स द ट्रीटमेंट और देन थर्ड इज़ द अवॉइड द रिकरेंस ऑफ द स्टोन। देखिए, एक दफ़ा मरीज़ का अगर इलाज हो गया और हमें ये पता लग गया है कि उसकी पथरी किस किस्म की है और जो कि एक सिंपल से टेस्ट से पता चलाया जा सकता है जिसको बायोकेमिकल स्टोन एनालिसिस कहते हैं। जब हम पथरी का इलाज करते हैं जो भी किसी भी ज़रिए से करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने PCNL किया है या हमने किसी भी तरीके से उसका स्टोन रिट्रीवल किया है, तो वो स्टोन हम लेबॉर्ट्री में भेज के उसका केमिकल एनालिसिस करवाएंगे और फिर उसकी रिपोर्ट की रोशनी में हम मरीज़ को फर्दर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी एडवाइस कर सकते हैं ताकि वो मरीज़ दोबारा स्टोन ना बनाए। इसके अलावा कुछ जनरल मेजर्स हैं जो कि कॉमन मैन भी यूज़ कर सकता है ताकि उसको कभी भी पथरी का प्रॉब्लम ना बने, जिसके अंदर पानी का वाफर मकदार में इस्तेमाल, गर्मियों के मौसम में 3 से 3.5 लीटर पानी का इस्तेमाल और सर्दियों के मौसम में 1.5 से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल एडवाइजेबल है। इसके अलावा सर्केडियन ड्रिंकिंग यानी कि एक वक्फे से पानी का इस्तेमाल किया जाए, ये ना हो कि सुबह से शाम तक आप पानी इस्तेमाल ना करें और फिर शाम के औकात में आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये तकनीक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप हाई रिस्क स्टोन फार्मर हैं तो आपको पानी का इस्तेमाल एक वक्फे से करना चाहिए। फिर न्यूट्रल PH बेवरेजेस जिसमें लेमनेड और लस्सी और इस तरह के मशरूबात शामिल हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, फल और सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए,
क्योंकि इनसे भी ये देखा गया है कि पोटेंशियल रीनल एसिड लोड डिक्रीज़ होता है, और वो गज़ाएँ जिनसे एसिड लोड डिक्रीज़ होता है वो स्टोन डिज़ीज़ की प्रिवेंशन में बहुत मुफीद समझी जाती हैं। इसके अलावा वर्जिश का इस्तेमाल, अगर आप वर्जिश का इस्तेमाल अपने मामूल में रखेंगे तो इसकी वजह से भी ये देखा गया है कि स्टोन डिज़ीज़ कम वाक़ होती है। अगर आप किसी भी किस्म की स्टोन डिज़ीज़ के हवाले से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या मशवरा करना चाहते हैं तो IMC हॉस्पिटल लाहौर में और बहरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाहौर में आप ओला डॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे मशवरा कर सकते हैं। शुक्रिया।